अ वार्म वेलकम टू वाइस एकेडमी। प्यारे बच्चों, मैं देवेंद्र ठाकुर आपका वाइस एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, डाउनलोड वाइस नीट एंड जेईएफ, गेट रजिस्टर्ड एंड स्टार्ट योर जर्नी, स्टार्ट योर लर्निंग, स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद वाइस एकेडमी, और ट्रू कंपेनियन फॉर योर सक्सेस। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या करा है, मेटलर्जिक ऑपरेशन मींस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स करी, आइसोलेशन ऑफ मेटल्स करी। हमने वहां पे प्रीवियस लेक्चर में सीखा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में सीखा कि जो मेटल्स हैं उनको हम डिफरेंट मींस से, अलग अलग तरीकों से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे आइसोलेट करते हैं। तो बच्चों, जो मेटल हमारे पास आइसोलेटेड मेटल थी, एक्सट्रैक्टेड मेटल थी ड्यूरिंग दिस मेटलर्जिक प्रोसेस, तो उस की बात हम करें तो उसमें जो मेटल आ रही थी हमारे पास वो एक इम्प्योर मेटल थी। कैसी थी? इम्प्योर, उसमें इम्प्यूरिटीज हैं, वो अभी प्योर मेटल नहीं है। तो बच्चों, जो इम्प्योर मेटल है हमारे पास, उस मेटल को क्या बोल देते हैं हम? क्रूड मेटल। क्या बोलेंगे? क्रूड मेटल। अब इस क्रूड मेटल को हमने किसमें कन्वर्ट करना है? प्योर मेटल में। और दिस कन्वर्जन ऑफ क्रूड मेटल इनटू प्योर मेटल इज कॉल्ड मेटल रिफाइनिंग। क्या बोलेंगे उसको हम? मेटल की रिफाइनिंग। क्लियर है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ क्रूड मेटल इनटू प्योर मेटल इज कॉल्ड मेटल रिफाइनिंग। तो बच्चों, ये जो मेटल रिफाइनिंग होती है इसके भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे प्रोसीजर हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है, या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बोल देते हैं, वान अर्कल मेथड है, जोन रिफाइनिंग है। पर हमारे सिलेबस में जो ज़्यादा कॉमनली यूज मेथड है, वी कैन से जो कॉमनली यूज मेथड है वो है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, या इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल आपके सिलेबस में है, हमने इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल ही करना है, अब जिसको हम समझेंगे कि वो क्या होता है। तो बच्चों, एक लुक ले लेते हैं कि जो रिफाइनिंग ऑफ मेटल है वो क्या होती है। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल सिंपल है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग इम्प्योर मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। क्या बोला मैंने? सिंपल, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग क्रूड मेटल। क्रूड मेटल का मतलब क्या होता है बच्चों? क्रूड मेटल मीन्स इम्प्योर मेटल। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग क्रूड मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। क्लियर है? या प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग क्रूड मेटल इनटू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, जो भी आपको आसानी से याद हो जाए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्योर मेटल, क्रूड मेटल इनटू प्योर मेटल इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड मेटल रिफाइनिंग, या रिफाइनिंग ऑफ मेटल बोलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। क्या बोलेंगे उसको? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो मैंने और भी मेथड बताए थे आपको, कौन कौन से? जोन रिफाइनिंग है और वान अर्कल मेथड है, जिससे हम मेटल को क्या करते हैं? प्योर करते हैं। पर हमारे सिलेबस में क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग भी है, तो उसी को करेंगे। मैनी मेटल लाइक कॉपर, जिंक, टिन, लेड, निकल, सिल्वर, गोल्ड, दे आर रिफाइंड बाई इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कैसे उसको रिफाइन कर सकते हैं हम? इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से, या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से हम उसको प्योर कर सकते हैं। देन ये जो रिफाइनिंग होती है बच्चों, वो किस तरह से की जाती है, मैं इसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन, मैं जनरल डेमोन्स्ट्रेशन हम डिस्कस करेंगे, फिर हम एक मेटल का या दो मेटल का वहां पे करके भी देखेंगे। बच्चों, इसमें क्या करते हैं, देखो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना आपने। जैसे मैंने क्या करा है, ये कर लिया है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होती कैसे, इसको पहले डेमोन्स्ट्रेशन समझ लो, उसके बाद हम इसकी एक या दो मेटल की करके देखेंगे, इम्प्योर मेटल को हमने प्योर में कैसे कन्वर्ट करना है, इस चीज का ध्यान रखना। ये डेमोन्स्ट्रेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसका बेसिक पता है तो वो आप किसी भी मेटल की, इम्प्योर मेटल की क्या कर सकते हो, उसकी उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। सोच बच्चों, ये हमारे पास हमने क्या लिया है, ये एक ऑपरेटर है जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, बिकर लिया है। क्या लिया बच्चों? बिकर।
अब क्या करा हमने बिकर में, बिकर में हमने जिस मेटल को, ध्यान रखना, हमने जिस मेटल को प्योर करना है, जिस मेटल को हमने प्योर करना है, जिस क्रूड मेटल को हमने प्योरिटी की तरफ लेके जाना है, उसको कैसे करना है। सोल हमारे पास कोई एक्स मेटल है, ये हमारे पास क्या बच्चों, एक्स मेटल जिसको हमने प्योर करना है। तो ये क्रूड है, हमें पता है क्या, ये क्रूड मीन्स इम्प्योर है, क्रूड मेटल। अब इसको क्या करा हमने, इसी मेटल का, ये ध्यान रखना, इसी मेटल का साल्ट सॉल्यूशन हमने लेना है, इसी मेटल का जिसको हमने प्योर करना उसका साल्ट सॉल्यूशन लेना है। किसमें, बिकर में। साल्ट सॉल्यूशन मीन्स इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेना है, इसी का इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएट हो जाए आयंस में, वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हमने इसमें डालना है। जैसे कोई भी सॉल्यूशन है तो इसका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हमने इसमें ले लिया, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डालना जो बच्चों आयन में डिसोसिएट हो जाए, समझा की बात। अब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हमने इसमें लिया है, अब इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में हम चाहें तो इसमें एसिड की एक दो ड्रॉप डाल सकते हैं, इसको एसिडिफाई करेंगे, क्या करेंगे, एसिडिफाई मींस एसिड की एक दो ड्रॉप डाल दो, चाहे एसिल की डाल दी, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड की डाल दी, इसमें एक दो ड्रॉप इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जो कि मेटल साल्टी होगा उसमें हमने इसको डालना है, क्लियर है। देन अब क्या करना है, अब हमने ये जो मेटल है हमारे पास जो क्रूड मेटल है उसका हमने एनोड बनाना है बच्चे, क्या बनाना है, एनोड, क्या बनाना है, एनोड बनाना है, ये ध्यान रखना। जो क्रूड मेटल है, क्रूड मेटल का क्या बनाया बच्चों हमने, एनोड, क्या बनाना है इसका, क्रूड का क्या बनाना है, क्रूड मेटल है इसका क्या बनेगा हमारे पास, एनोड, क्या बनाना है, एनोड बनाना है बच्चों। एनोड बनाने के लिए क्या करना है, हमने इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ना है, ये इम्प्योर है, जो हमने मेटलर्जिकल ऑपरेशन से जो मेटल ऑब्टेन करी थी वो उसमें इंप्यूरिटीज हैं, उसमें दो तरह की इंप्यूरिटीज हो सकती हैं, एक सोल्यूबल इंप्यूरिटी और एक इनसोल्यूबल इंप्यूरिटी, समझा रही है, दो तरह की इंप्यूरिटी हो सकती है, एक सोल्यूबल और दूसरी इनसोल्यूबल, इसका भी ध्यान रखना, इसका भी यूज करेंगे हम, कहा क्या है। अब बच्चों हमने क्या लेना है, जैसे एक्स मेटल, एक और मेटल लिया हमने एक्स जो कि प्योर थी, ये प्योर है, सेम मेटल ही है पर वो एक प्योर है एक इम्प्योर है, तो जो प्योर मेटल उसकी भी हमने एक स्ट्रिप ली और उसको हमने उसकी भी इलेक्ट्रोड बनाई है, ये प्योर है, ये एक्स क्या है बच्चों, प्योर, और इसका क्या बनाना है हमने, कैथोड, क्या बनाना है, कैथोड, कैथोड कैसे बनेगा, अगर हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इसको जोड़ते हैं तो, क्लियर है, इतना समझ आ गया। अब जो भी यहाँ पे इसी मेटल का हमने कह लिया था बच्चों, इसी मेटल का हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया था, सपोज ये एक्स वाई इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट के लिया बच्चों एक्स वाई, समझा रही बात, इलेक्ट्रोलाइट इसी मेटल का है, मींस एक्स मेटल इसमें रहेगी और दूसरा जो ग्रुप होगा वो कोई और होगा, क्लियर है। तो इलेक्ट्रोलाइट भी हमने उसी मेटल का लेना है। अब यहाँ पे क्या करा, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों ये डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, ये इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव में, यहाँ नेगेटिव जरूरी नहीं है कि एक एक ही हो या पॉजिटिव जरूरी नहीं है कि एक एक ही हो, ये हम बस समझने के लिए कर रहे हैं, वो मेटल के ऊपर डिपेंड करेगा, समझा रही बात, जो चार्ज है डायनामाइन के ऊपर वो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो ज्यादा भी हो सकता है पर इससे कम नहीं होगा, क्लियर है। प्लस टू प्लस थ्री हो सकता है, माइनस टू माइनस थ्री हो सकता है, पर यहाँ से कम नहीं होगा, समझा रही बात, हम जनरल कर रहे हैं डिस्कशन। तो बच्चों जब ये इलेक्ट्रोलाइट जब डिसोसिएट होगा तो यहाँ पे मोल्टन स्टेट में अगर हम ले रहे हैं इसको, मोल्टन भी ले सकते हैं और एसिड सॉल्यूशन भी डाल सकते हैं एक्वस, तो यहाँ हम मोल्टन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा, तो यहाँ पे बच्चों वाई आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा एक्स पॉजिटिव, समझा रही है, बिल्कुल ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ पे क्या होना है वो अलग तरह से चलेगा, इलेक्ट्रोलिसिस ही है पर यहाँ पे अलग तरह से, देखो अब क्या होगा। अब बच्चों हमें पता है, हमें पता है कि जो एनोड है, एनोड पे क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब एनोड पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये इस तरह का सॉल्यूशन है हमारे पास, यहाँ हम इसको सेपरेशन भी दे सकते हैं किसी चीज की, समझा रही बात। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जब हमने इसका करंट यूज करा बच्चों, इलेक्ट्रोलिटिक है तो इसमें क्या होना है, इसमें जब हम इसको करंट देंगे तो क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, इस एनोड से क्या होगा, इस एनोड से क्या होगा,
ये एनोड से बच्चों क्या होना है, इससे जो इम्प्योर मेटल है वहां से ये मेटल जो है ये वाला क्या करेगा, मेल्ट करना शुरू, क्या करेगी इलेक्ट्रोड, ये मेल्ट करना शुरू करेगी। और यहां से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं क्या कर रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ऐसे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रोड है ये मेल्ट होती जाएगी, मेल्ट होगी और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, तो इसी मेटल का इम्प्योर है ये। तो यहाँ से जो एनोड पे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं बच्चों, एनोड पे जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी, एनोड पे जो एक्स प्योर मेटल थी, इम्प्योर मेटल है, क्रूड मेटल है, वो क्या कर रही है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रही है और ये ऐसे कुछ भी छोड़, समझा ली बात। कैथोड पे क्या हो रहा है बच्चों, जो ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं यहाँ पे, ये जो कैटाइन पड़ा हुआ है एक्स पॉजिटिव, ये क्या कर रहा है बच्चों, ये इस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और ये एक्स सोलिड होता जा रहा है, ये यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा एक्स 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 यहाँ पे एनोड कैथोड पे, ये इस तरह से डिपॉजिट होता जाएगा, एक्स डिपॉजिट होता जाएगा, इनके जो मेटल है वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है, ये डिपॉजिट होगी बच्चों यहाँ पे। अब हम बात करें यहाँ पे ये जो कैटाइन है, जितने कैटाइन यहाँ से कन्वर्ट हो रहे हैं जिसमें एक्स सॉलिड में इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, उतने ही यहाँ से इस इलेक्ट्रोड से जो एनोड है वहां से निकल के यहाँ आते जा रहे हैं सॉल्यूशन में, एक्स पॉजिटिव यहाँ ये आते जाएंगे, ये वाले आते जाएंगे बच्चों यहाँ पे एनोड से, और इसकी कंसेंट्रेशन क्या होती रहेगी, बराबर होती रहेगी, और ये इसमें जो एनोड है ये मेल्ट होगी, मेल्ट होने शुरू कर जाएगी, जो इम्प्योरिटीज हैं, जो वी कैन से ऐसी इम्प्योरिटी जो मेल्ट हो रही हैं, मतलब जो पानी में सोल्यूबल हैं वो सोल्यूशन में चली जाएंगी, और जो ऐसी इम्प्योरिटीज जो इनसोल्यूबल हैं वो क्या करेगी, जब ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रोड, पूरी की पूरी जो एनोड है ये मेल्ट हो जाएगी, तो जो इम्प्योरिटीज हैं वो यहाँ पे इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज यहाँ पे आ जाएंगी, जिसको क्या बोल देंगे हम, एनोड मड बोल देंगे बच्चों, क्या बोलेंगे इसको, एनोड मड बोलेंगे। और जो यहाँ पे जितने भी ये एक्स पॉजिटिव आयन इसमें से जा रहे थे और ये इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे कैथोड पे डिपॉजिट होते जाएंगे, तो ये बिल्कुल आसान है, क्लियर है। तो इस तरह से ये जो है वो जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है वो काम करती है और हमारे पास प्योर मेटल आ जाते हैं। तो बच्चों एक यहाँ पे लूप देख लेते हैं, यहाँ पे वी कैन से क्या करा हमने, थिक ब्लॉक लिया प्योर मेटल का जिसको हम एनोड बनाएंगे, इम्प्योर मेटल का थिक ब्लॉक है जिसको क्या लिया हमने, उसका क्या बनाया बच्चों, एनोड बना दिया, इम्प्योर मेटल मीन्स क्रूड का है, और इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या करा हमने, प्योर मेटल की एक और शीट ली है, एक इलेक्ट्रोड और ली है जिसको हमने क्या बनाया है, कैथोड, और वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ उसको अटैच करना होता है। अब क्या करना है, वाटर सोल्यूबल साल्ट जो है उसी मेटल का जिसको हमने रिफाइन करना है, जिसको हमने प्योर करना है, उसी का साल्ट लेना है, उसको हमने इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज करना है। जैसे मैंने इसमें क्या लिया था, एक्स वाई, ठीक है, यहाँ पे ये एक्स इम्प्योर था और ये एक्स प्योर था, ठीक है, इस तरह से मेटल ली थी और ये इसका साल्ट लिया था। अब क्या करना है बच्चों, तुरंत पास करना है, इम्प्योर मेटल डिजोल्व हो जाएगी, जो मैंने बताया एक्स की जो इलेक्ट्रोड थी वो क्या कर रही थी, डिजोल्व हो रही थी, डिजोल्व हो रही थी ना, और वहां से क्या हो रहा था, इससे ये डिजोल्व हो रही थी, एक्स पॉजिटिव हो रही थी इलेक्ट्रॉन, ऐसे मैंने बताया था कि इस तरह से सोच भी ऐसे कर रही है, तो ये यहाँ पे कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे वहां पे उनको ये जो उस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जो आयन से एक्स पॉजिटिव वो इलेक्ट्रॉन ले रहा था और वो कैथोड पे जाके डिपोजिट होगा, क्लियर है। तो उस तरह से यहाँ पे ये श्योर हो जाएगा वहां पे कैथोड के ऊपर, और जो एनोड के ऊपर जो इम्प्योरिटीज हैं, जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज हैं, वो एनोड की तरफ जो है वो सेटल डाउन हो जाएगी, जिसको हम एनोड मेट बोलते हैं, और जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज हैं वो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में चली जाएंगी, क्लियर है। तो ये है इसमें, जैसे हमने करंट पास करा, इम्प्योर मेटल क्या करेगी, रिजोल्व हो जाएगी एनोड पे एंड गोज इनटू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड द प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट ऑन द कैथोड, वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएंगी, द सॉल्यूशन द सोल्यूबल इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द इम्प्योर मेटल गो इनटू द सॉल्यूशन, हियर इज द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी सेटल डाउन हो जाएगी बॉटम में, और बॉटम मीन्स एनोड की तरह, और उसको क्या बोलेंगे हम, एनोड मंड बोल देते हैं बच्चों। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होती है, हम देखें कि जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है यहाँ पे हम कॉपर की कर रहे हैं। अब कॉपर की जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है वो कैसे होती है उसको हमने देखा। अब यहाँ पे कॉपर जो सपोज हमारे पास ये जो कॉपर आया है यहाँ, दोबारा समझ लो बच्चों उसी को ही,
अब हम यहां पे कोपर, ये है हमारे पास कोपर। कोपर का हमने क्या करना है, कोपर की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करनी है कि हमने जो प्योर कोपर है उसको हम कैसे निकालेंगे इम्प्योर, किससे जो क्रूड मेटल है कोपर की उससे कैसे हम बनाते हैं उसको हम दोबारा यहां पर मैं तुम्हें समझा रहा हूं। देखो दोबारा से हमने क्या करा बच्चों, हमने एनोड और कैथोड का ध्यान रखा, एनोड हमेशा इसी साइड बनानी है, समझा ली, एनोड इसी तरफ बनानी है कैथोड उस तरफ में। तो बच्चों हमने एनोड हमेशा कैसी लेनी है, एनोड का जो ब्लॉक लिया है ये कॉपर का ही होगा पर ये कैसा होगा बच्चों इम्प्योर, क्या है ये इम्प्योर, समझा ली बात। और एक हमने प्योर कॉपर की स्ट्रिप ली है, ये कॉपर की प्योर स्ट्रिप है, ये कॉपर है, ये कैसा है बच्चों प्योर। अब जो इम्प्योर था उसका क्या बनाना हमने, एनोड। एनोड कैसे बनेगा, अगर मैंने ये बैटरी ली है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जब मैं इस इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ूंगा तो ये एनोड बन जाएगी, क्या बन गई बच्चों ये एनोड, क्या बनी है एनोड। और ये नेगेटिव टर्मिनल जोड़ा तो ये क्या बन जाएगी बच्चों कैथोड। एनोड क्या होती है, जहां से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, क्या होती है जहां से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो यहां पे बच्चों हमने क्या करना है, फिर कॉपर का साल्ट लेना है, कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट लेना है, ठीक है, कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट लेना है बच्चों। यहाँ पे सपोज मैंने क्या लिया है CuSO4 कॉपर सल्फेट ले लिया, ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया इसका, कॉपर का सल्फेट, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया बच्चों CuSO4, ये 1N है सपोज, ये इलेक्ट्रोलाइट, इसमें मैंने सपोज एसिड भी डाल दिया है, अगर डालना चाहे तो डाल सकते, एक दो ड्रॉप एसिड के डाल दिया। अब हमारे पास जैसे ही मैंने स्विच ऑन करा, स्विच जैसे ही ऑन करा, एनोड का पता ना, एनोड क्या होती है ऐसी इलेक्ट्रोड जहां से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, कैथोड ऐसी इलेक्ट्रॉन जहां से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो बच्चों ये जो CuSO4 है ये डिसोसिएटेड है, इसमें Cu2 पॉजिटिव में और SO4 2 नेगेटिव में, इस तरह से इसके बहुत सारे आयन पड़े, ठीक है। अब जैसे ही हमने स्विच ऑन करा, ये जो एनोड वाली जो इलेक्ट्रोड है, जो इम्प्योर है, ये क्या करेगी, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी, एनोड वाले जो कॉपर है वहां से क्या निकलेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन। ये जो Cu है ये क्या कर रहा है, ये Cu2 पॉजिटिव इम्प्योर वाला है, ये एनोड पे इम्प्योर है, Cu2 पॉजिटिव बनाएगा और बच्चों क्या देगा आपके पास दो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। अब ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से जाते हैं, ऐसे मूव करेंगे दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों, ऐसे मूव करेंगे इस प्योर कैथोड से, और कैथोड से ये जब यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव आयन यहाँ पे पड़ा हुआ है ना सोल्यूशन में, कैथोड पे क्या हो रहा है, ये जो कैथोड है बच्चों इसमें Cu2 पॉजिटिव आयन पड़ा हुआ है ऑलरेडी, ये जो सोल्यूशन में पड़ा हुआ ना इसकी बात कर रहा हूँ, ये क्या करेगा इन दो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जो आ रहे हैं इस कैथोड से इनको ले लेगा और क्या बन जाएगा कॉपर सॉलिड, क्या बनता जाएगा कॉपर सॉलिड, यहाँ पे क्या ये सॉलिड डिपोजिट हो रहा है। और यहाँ से जो एनोड से ये इलेक्ट्रोड मेल्ट होने शुरू हो जाएगी, क्या होगी मेल्ट होने शुरू होगी, और ये जो Cu2 आयन इससे निकल के कहां आते जाएंगे, इससे जो Cu2 पॉजिटिव है बच्चों वो इसमें सॉल्यूशन में आते जाएंगे, जैसे जैसे ये रिएक्शन प्रोसीड होती जाएगी मींस आगे बढ़ती जाएगी, ये जो Cu2 आयन यहाँ अगर कम भी हो रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ रहे हैं और यहाँ सॉल्यूशन में आ जाते हैं, और सॉल्यूशन में आके इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ से गेन करते जाएंगे और यहाँ पे ये मेटल क्या होगी डिपोजिट होगी। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये जो Cu इम्प्योर है, जो इलेक्ट्रोड इम्प्योर है एनोड, उसमें इम्प्योरिटीज दो तरह की होती है, एक सोल्यूबल और एक इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज। जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज हैं बच्चों, सोल्यूबल इम्प्योरिटीज तो इस साल्ट सॉल्यूशन में चलेगी, जो सोल्यूबल इम्प्योरिटी है वो साल्ट सॉल्यूशन में चली जाएंगी, बट जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज हैं जब ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, ये ऐसे कंप्लीट होती जा रही है और यहाँ पे ये यहाँ पे डिपोजिट हो जाएगी इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी, और इन इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज को क्या बोलते हैं बच्चों हम एनोड मड, क्या बोलेंगे एनोड मड बोल देते हैं। और यहाँ पे जो मेटल यहाँ पे डिपोजिट हो रही है इस तरह से, तो वो क्या हो रही है प्योर मेटल, समझा रही बात, तो इसको प्योर मेटल है। अब इसको हम वी कैन से रिफाइंड हो चुकी है ये मेटल, और ये ध्यान रखना यहाँ से जितने भी इस इलेक्ट्रोड से, इस एनोड से जितने भी आयंस आते जा रहे हैं वो सॉल्यूशन में आ रहे हैं, और वही यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन भी छोड़ रहे हैं, कॉपर इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, आयन में कन्वर्ट हो रहा है, आयन जो है वो सॉल्यूशन में आ रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे पास हो रहे हैं, और ये ही आयंस ये भी वो तो करेंगे, इसके तो करते ही हैं, Cu2 पॉजिटिव ले रहे हैं, तो सारे जब ये वी कैन से खत्म हो जाते हैं तो इनकी भी बात
ये भी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिसीव करते जाएंगे और ये भी डिपॉजिट होते जाएंगे, तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाती है वो सारी की सारी मेटल और वो प्योर हो जाती है। क्लियर है? तो बच्चों इस तरह से क्या होती है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की जाती है मेटल्स की, जो प्योर मेटल को हम कैसे बनाते हैं क्रूड मेटल से, वो प्रोसेस है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो यहाँ पे वही है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। बच्चों इनका भी आप प्रैक्टिस करो, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, कॉपर का हमने कर दिया, जिंक, SM, निकल और सिल्वर, तो इनको भी आप बच्चों कर सकते हैं, समझा गई बात, इनको भी आप कर सकते हैं उसी तरह से। जैसे मैं बात करूं आपके पास, इसको एक बार भूल जाओ कि यहाँ पर क्या ड्रा करा है, मैंने लिया आपके पास सिल्वर, क्या लिया बच्चों, सिल्वर जो है सपोज मेरे पास इम्प्योर है, समझा गई बात। यहाँ देखिए एक बार दोबारा रिविजन हो जाएगा आपका, सिल्वर क्या है, एक इम्प्योर है, मैंने बोला इनकी सबकी प्रैक्टिस कर सकते, सिल्वर एक इम्प्योर है तो उसकी हमने क्या बना दी बच्चों, एनोड। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई इम्प्योर क्या है ये, सिल्वर। क्लियर है? अब यहाँ पे ये जो कैथोड लिया है ये भी क्या बच्चों, प्योर सिल्वर है, एजी, ऊपर की जगह हमने एजी लिख दिया। अब यहाँ पे ये जो लेना हमने सोल्यूशन बच्चों, ये हम किसका लेंगे, इसी का ही साल्ट लेंगे, सिल्वर है तो सिल्वर का ही साल्ट ले लिया, तो इसका साल्ट मैंने ले लिया सपोज बच्चों AgNO3, क्या लिया है AgNO3, ये साल्ट ले लिया हमने। क्लियर है? अब AgNO3 है, ये साल्ट किसमें टूटेगा बच्चों, ये टूटेगा, ये टूट जाएगा ऐसे, Ag पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव है, नॉट ट्रू पॉजिटिव, एंड NO3 नेगेटिव, इसमें टूट जाएगा बच्चों, Ag पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव में टूट जाएगा। क्लियर है? अब इसी का हमने क्या करना है, जब ये इम्प्योर है, जब हम इसका स्विच ऑन करते हैं, बैटरी का ध्यान रखना, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हमेशा हमने इम्प्योर मेटल जोड़नी है, कौन सी इम्प्योर मेटल, मींस क्रूड मेटल जिसमें इम्प्योरिटीज हो, जो हमने मेटल कहां से मेटलर्जी प्रोसेस से आइसोलेट की है, एक्सट्रैक्ट की है, उसी को जोड़ना है। इम्प्योर मेटल का हमेशा एनोड बनाना है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जैसे ही हमने करंट दिया तो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, जो सिल्वर है बच्चों हमारे पास इम्प्योर, ये क्या करेगा, इस एनोड का जो सिल्वर है वो Ag पॉजिटिव बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा बच्चों। तो ये जो Ag पॉजिटिव, यहाँ तो ऑलरेडी पानी में भी है Ag पॉजिटिव, जो हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन उसमें Ag पॉजिटिव है, पर यहाँ से भी Ag पॉजिटिव जो है वो क्या करेगा, इसमें आता जाएगा इस सॉल्यूशन में, तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, बढ़ेगी ना Ag2 पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव भी, तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं बच्चों, ये इस तरह से जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कैथोड से, यहाँ पे जैसे सपोज Ag पॉजिटिव था, Ag पॉजिटिव क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है ये, तो कैथोड पे क्या हुआ बच्चों, कैथोड पे Ag पॉजिटिव जो पानी इसमें साल्ट सॉल्यूशन में, मींस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, सॉरी Ag पॉजिटिव है ये, नॉट ट्रू पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव क्या कर रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो क्या बनाएगा, Ag सॉलिड बनाता जाएगा और ये यहाँ डिपोजिट हो जाएगा। तो ये कहाँ डिपोजिट होता जाएगा, यहाँ पे। अब यहाँ पे Ag पॉजिटिव आयन जो इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट थे उसी साल्ट सॉल्यूशन में, उन वो कम होते जाएंगे, पर उनको कंपनसेट कौन कर रहा है, जो Ag पॉजिटिव आयन यहाँ एनोड से आ रहे हैं इसमें, तो ये जो है वो इस लॉस को कंपनसेट कर रहा है। पर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये Ag पॉजिटिव जो है वो यहाँ से आता जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे और ये Ag पॉजिटिव भी क्या करेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन लेते जाएंगे और ये भी यहाँ पे जाके डिपोजिट हो जाएंगे और इसको यहाँ पे सिल्वर, प्योर सिल्वर हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज है वो यहाँ पे जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज है उसको क्या बोलेंगे हम, एनोड मड बोल देंगे बच्चों, क्या बोलेंगे उसको, एनोड मड, और जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज है वो दोबारा वहां पे चली जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल है, हम किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि तुम्हें जो NCERT में दे रखा है कि वो कॉपर का दे रखा है ना, तो हमने जो आपको क्वेश्चन है वो किसी का भी आ सकता है, क्योंकि कॉपर, जिंक, टिन, निकल और सिल्वर, एल्यूमिनियम इसका आप कर सकते हैं, एल्यूमिनियम का भी कर सकते हो, तो यहाँ पे कोई भी इसका साल्ट ले लेना, AlCl3 ले लेना या Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट लेके, इलेक्ट्रोलाइट लेके, यहाँ पे प्योर एल्यूमिनियम और वहाँ पे प्योर एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोड लगानी है, और इस तरह से इसका सेटअप होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम यहाँ पे सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा था, कॉपर दो छोड़ रहा था, एल्यूमिनियम तीन छोड़ देगा, ठीक है। उस हिसाब से फिर हम इसके एनोड और कैथोड पे कैसे रिएक्शन होती है उसको करते हैं, और वो हमारे पास प्योर मेटल यहाँ पे आ जाता है। क्लियर है? तो बच्चों हमने
क्या पढ़ा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में, वो हमारे पास ये ओर था, ओर को हमने क्या करा है बच्चों, उसको पहले कंसंट्रेटेड किया जाता है, जैसे एनरिचमेंट ऑफ ओर बोल देते हैं हम उसको, कंसंट्रेटेड किया जाता है और उसको फिर हम कैसे करेंगे, उसको जो मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी सीरीज थी उसको हमने इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से करा है, उसकी रिफाइनिंग करके प्योर मेटल आ रहा है, और जो मेटल्स जो मॉडरेट मिडल रिएक्टिविटी सीरीज की थी उसमें क्या करा हमने, कैल्सिनेशन करा और रोस्टिंग करते हैं, फिर उसमें रिडक्शन करते हैं बच्चों, स्मेल्टिंग मीन्स कार्बन के साथ भी करते हैं, तो उसके बाद फिर उसकी रिफाइनिंग की जाएगी बच्चों इसी तरह से, तो दोबारा हमारे पास प्योर मेटल है। और मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी सीरीज की हम रोस्टिंग भी कर सकते हैं और वहां से प्योर मेटल भी आ सकती है, समझा लिया बात, जैसे मर्करी की करी थी हमने तो HgS सल्फाइड ओर था, ठीक है, उसकी क्या करी हमने रोस्टिंग करी थी, HgO बना था, HgO को हीट करा दोबारा, HgS जो था बच्चों इसकी क्या करी थी हमने ऑक्सीडेशन, हीट करा था इसको, रोस्टिंग करी थी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बना सपोज उसका HgO बना था, और फिर इस HgO को क्या करा था हीट करा था स्ट्रॉन्गली, यहाँ क्या बन गया बच्चों 2Hg+O2, ठीक है, तो यहां से रोस्टिंग से इसमें प्योर मेटल आ गया, क्लियर है। तो आई होप आपको ये लेक्चर रिफाइनिंग ऑफ मेटल समझ आ गया होगा, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, इन केस डाउट है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं और अपने डाउट को दूर कर सकते हैं, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।